हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये जो कटोरी ब्लाउज़ हमने स्टिच किया है, तो यहाँ पे पाइपिंग कैसे लगानी है, जैसे गले के ऊपर पाइपिंग कैसे लगानी है, ये आज हम देखते हैं। तो ये ब्लाउज़ हमने पूरा सिल के रखा हुआ है, अब इसके ऊपर हमें पाइपिंग लगानी है। तो हमें ये सीधी साइड जो है यहाँ पर हमें इस तरह से लेनी है, और ये पाइपिंग के लिए हमने ये पट्टियाँ निकाली है। पट्टियाँ निकाल के ये जो क्रॉस में हमने पट्टियाँ निकाली हैं और इसको हमने इस तरह से जॉइंट किया है, पट्टी को हमने इस तरह से जॉइंट किया है। तब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। जैसे गले के ऊपर अब कैसे पाइपिंग लगाते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा लेके, आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के, फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें अभी यहाँ पे सिलाई लगानी है। क्वार्टर इंच छोड़ के यहाँ पे हमें क्वार्टर इंच छोड़ के यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। पूरे गले में हम इस तरह से ये पट्टी ज्वाइन करेंगे। अब ये जो शोल्डर का होता है, ये शोल्डर का हम बैक साइड में इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे गले में हमने ये पाइपिंग ज्वाइन, ये पट्टी हमने ज्वाइन की है। ये क्रॉस में हमने पट्टी जो निकाली थी इसको हमने ज्वाइन किया है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये जो है आधा इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था, उसको हम अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद ये जो साइड का है इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं। जैसे ये जो सिलाई है इसको अंदर लेंगे, यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे भी हमें आधा इंच इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। Thank you.
एक जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको थोड़ा सा कट करेंगे। इस तरह से हमने ये पूरे पट्टी को फोल्ड किया है। ये भी अंदर के साइड में इस तरह से फोल्ड करके फिर ये जो सिलाई है ये इस साइड में लेंगे, फिर यहाँ पे हमें इसको अंदर के साइड में फोल्ड करना है। ये पट्टी हमने इस तरह से ज्वाइन की है, पूरे में हमने इस तरह से फोल्ड किया है। अब क्या करना है, जैसे ये जो है जो हमने पहले अटैच की थी ब्लाउज़ के ऊपर, यहाँ पे हमें इसको छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह से इसको छोटे कट लगाने हैं, पूरे गले में हम इसको कट लगाएंगे, क्योंकि पाइपिंग की जो गोलाई आती है इससे ये अच्छी आती है, क्योंकि ये पाइपिंग जो है बना रहे हैं हम ये अच्छी बनती है। पूरे गोलाई में हम इसको कट लगाते हैं। जैसे हमने पूरे गले पे इस तरह से हमने ये कट लगाए हैं, अब यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो आपको जितनी चाहिए उतनी चौड़ी आप पाइपिंग ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लेके इसके ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें ये थोड़ा थोड़ा करके इसको इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये पाइपिंग हमारी इस तरह से हमारी ये पाइपिंग आती है। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से हमें ये पाइपिंग बनानी है। ये हमारी पाइपिंग ये ऐसी इस तरह से आती है। इस तरह से हमने ये पूरे गले पे ये पाइपिंग तैयार की है। ये हमारी पूरे गले में इस तरह से ये पाइपिंग आई है। इस तरह से ये पाइपिंग आती है। तो ये आप जैसे यहाँ पे गला तैयार होने के बाद ये क्रॉस में पट्टी निकाल के इस तरह से पट्टी ज्वाइन करके आप इस तरह से
ब्लाउज़ को पाइपिंग कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।